यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद योगी सरकार ने पेपर रद्द कर दिया था और 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद से यूपीएसटीएफ की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए धड़ाधड़ छापेमारी कर आरोपियों पर शिकंजा कसने लगी। मामले में प्रदेश में जगह जगह यूपीएसटीएफ ने कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा। इसी कड़ी में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इसी को लेकर अब मेरठ से यूपीएसटीएफ ने अंतर्राज्यीय नटवर लाल गैंग को धर दबोचा है, जो एसटी जाति के सर्टिफिकेट मूल निवास सर्टिफिकेट बनाते थे, जिससे परीक्षा में अभ्यर्थियों को आरक्षण का फायदा मिल सके। ये नटवर लाल गैंग कई राज्यों में एक्टिव था और इस तरह से धांधली कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलता है। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में एसएससी की परीक्षा में इस गैंग ने यूपी में अभ्यर्थियों का फॉर्म भराया था, जिसमें एक फॉर्म के लिए अभ्यर्थी से 5 लाख रुपए वसूले थे। लेकिन अब इस नटवरलाल गैंग के 3 आरोपियों को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एसटीएफ को बड़ी तादाद में फर्जी सर्टिफिकेट, 5 फोन, लैपटॉप और वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसके बाद आरोपियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।